हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था टॉर्क कैलकुलेट की थी, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उससे पहले वाले लेक्चर में था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी एक इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की हेल्प से, की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैलकुलेट की थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो हमें आज कैलकुलेट करनी है। सबसे पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एक फॉर्म है एनर्जी की जो होती है हमारे पास बॉडी की शेप की वजह से, साइज की वजह से, उसकी पोजिशन की वजह से। एनर्जी दैट इज ड्यू टू द शेप, साइज, पोजिशन, इन चीज़ों पर, जो इन चीज़ों की वजह से जो भी एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा आपने पढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में, उसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। इसके अलावा बहुत सारी एनर्जी फॉर्म है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या है हमारे पास? वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल वाइब्रेशंस एनर्जी कैरी कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ तो मैंने बोलते वक्त कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट की इन द एयर, तो वो वाइब्रेशंस जो भी एनर्जी कैरी कर रहे हैं, मैंने जो भी साउंड बोलने में जो एनर्जी वेस्ट की वो हमारे पास क्या है? साउंड एनर्जी। हीट एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, ये क्या है हमारे पास? हीट एनर्जी। इसी प्रकार आज हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल की। कल के लेक्चर में हमने टॉर्क देखी थी, तो टॉर्क का बेसिक फार्मूला क्या है हमारे पास? ई क्रॉस ई। टॉर्क हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ से हमारे पास टॉर्क आएगा पी ई साइन थीटा। टॉर्क इक्वल हो गया हमारे पास पी ई साइन थीटा के, ये हमने कल वाले लेक्चर में देख लिया था। आज हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बाय डेफिनेशन देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास एनर्जी इन रोटेटिंग अ डाइपोल, स्लाइटली रोटेटिंग अ डाइपोल, या फिर एनर्जी जब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस टाइम पे उसके पास कितनी एनर्जी है, वो मेजरमेंट है हमारे पास किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे क्या? डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। उस डिस्प्लेस करने में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट एट वेरी स्मॉल एंगल, एक डी थीटा एंगल से डिस्प्लेस करने में जो भी हमें काम करना पड़ा उसका ओवरऑल इंटीग्रेशन देखेंगे, वो हमारे पास क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो बाय डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। हमारे पास जो भी काम किया है डाइपोल को रोटेट कराने में, वही मेजरमेंट है हमारे पास किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की। मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसके ऊपर एक डाइपोल पुट किया है जिसका एक पॉइंट फिक्स है ओरिजिन पे, दूसरा पॉइंट फिक्स है इधर। द वन पॉइंट ऑफ द डाइपोल इज फिक्स्ड एट दिस पॉइंट, और जो दूसरा चार्ज है वो फिक्स है इस पॉइंट पे। अब मैंने डाइपोल को इस तरह से रोटेट करा दिया, ऐसे था डाइपोल, उसको रोटेट करा दिया ऐसे। पहले जो ये वाला एंगल है, ये एंगल मेजर कर लिया मैंने थीटा, तब इसको डी थीटा एंगल से रोटेट करा दिया इस पॉइंट पे। ये वाला एंगल है हमारे पास डी थीटा, ये वाला एंगल थीटा रोटेट करा दिया, ये वाला एंगल हो गया हमारे पास डी थीटा। तो इसको रोटेट कराने में जो भी स्मॉल वर्क डन किया, द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल एट अ वेरी स्मॉल अमाउंट, डी थीटा पे रोटेट कराने में जो भी हमने वर्क डन किया, इतने एंगल पे रोटेट कराने में जो भी वर्क डन किया, वो वर्क डन हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मैं डाइपोल को पूरा रोटेट कराता तो मेरे पास नेट वर्क डन होता, टोटल वर्क डन होता। अभी थोड़ा बहुत रोटेट कराए तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन विल बी स्मॉल। अगर डी थीटा से रोटेट किया है तो हमारे पास जो भी वर्क डन होगा, वर्क डन ड्यू टू दिस रोटेशन, वो वर्क डन होगा हमारे पास डी डब्ल्यू। एनर्जी को कैलकुलेट करने का जो बेस्ट मेथड है वो है हमारे पास वर्क डन। बेसिकली यही मेथड है हमारे पास, कितना काम किया वो मेजरमेंट है हमारे पास एनर्जी की। मैं यहाँ से चल के कहीं चला जाऊँ तो मैं कुछ एनर्जी लूज करूँगा, तो जो एनर्जी लॉस की या फिर जो काम किया मैंने इधर से उधर जाने में, वो मेजरमेंट है हमारे पास किसकी? एनर्जी की। एनर्जी को कैलकुलेट करने का बेसिक मेथड है हमारे पास वर्क डन कैलकुलेट कर लिए। आगे हम जहाँ कहीं पे भी, ट्वेल्थ में भी अगर हम लेक्चर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास बेसिक मेथड होगा वर्क डन कैलकुलेट किया रिजोल्व।
तो भी वर्क डन होगा वही हमारे पास किसके इक्वल होगा, एनर्जी के इक्वल होगा। तो हमारे पास वर्क डन का क्लास लेंथ में फार्मूला पढ़ा है, वर्क डन होता है हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन होगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, जो भी फोर्स लग रही है मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट है, रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, स्केलर होगा। वर्क डन इज फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं उस फार्मूले को देखूँ, अगर मेरी डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है, फोर्स मेरी एफ है, तो वर्क डन होगा मेरे पास डी डब्ल्यू। ये बेसिक फार्मूला है हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स का। अगर इसको हम मैनुअली डिस्प्लेस कर रहे हैं, डाइपोल इस पॉइंट पे था उसको उठा के इधर ले आए, तो जो ये डिस्प्लेसमेंट दी है डीएक्स, इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक लेके आने में जो भी डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, डीएक्स। इसके अलावा जो भी फोर्स लगी वो, ये क्या हमारे पास नेट वर्क डन। इस केस में हमने क्या किया, डाइपोल को रोटेट किया, ना कि मैनुअली डिस्प्लेस करना। मैनुअली डिस्प्लेस करते तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते थे, अभी हमने डाइपोल को क्या किया, रोटेट किया है। तो डाइपोल को रोटेट कराने में हमारे ऊपर कुछ ना कुछ टॉर्क एक्ट की होगी। कल हमने पढ़ा था डाइपोल को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करता हूँ तो वो क्या होगा, रोटेट होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन अटेन करना चाहेगा। तो जो रोटेटिंग इफेक्ट है फोर्स का, जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ने अप्लाई की, तो रोटेटिंग इफेक्ट क्या है हमारे पास, टॉर्क। तो अब हम इस सारी चीज़ को एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फ्रेम डी एक्स डिस्प्लेसमेंट से लेके चेंज करना चाहेंगे रोटेशनल फ्रेम डी थीटा में। मतलब मेरी डिस्प्लेसमेंट डी एक्स से मैं चेंज करूंगा कहाँ पे, डी थीटा में। वर्क डन हमारे पास सेम होगा, फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट क्या होता है, टॉर्क की वजह से क्या आती है हमारे पास, रोटेशन। तो हमारे पास टो डॉट डी थीटा ये इक्वल होगा हमारे पास किसके, वर्क डन के। वर्क डन होगा हमारे पास टॉर्क मल्टीप्लाई डी थीटा, वे डी थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ना कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट। डी एक्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लीनियर फोर्स और रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट, फोर्स के वो इफेक्ट जिसकी वजह से डाइपोल किस चीज़ में आ गया, रोटेशन में आ गया। पोटेंशियल एनर्जी बाय डेफिनेशन देखिए हमने, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डाइपोल ने कितनी पोजेस की, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है, तो वो एनर्जी की मेजरमेंट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का मेथड। डाइपोल को डी थीटा से रोटेट करा दिया, तो रोटेशन की वजह से जो भी वर्क डन होगा, वो वर्क डन किसके इक्वल होगा हमारे पास, वर्क डन इज इक्वल टू टो डॉट डी थीटा। टोर की एक्सप्रेशन है हमारे पास पीई साइन थीटा डी थीटा। नेट वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए टोर की ये वाली वैल्यू हम इधर पुट करेंगे, हमारे पास रिजल्ट होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो डी थीटा। टो की जगह पे आ गया पीई साइन थीटा डी थीटा, दैट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू हमारे पास स्मॉल वर्क डन है, अमाउंट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द डाइपोल फ्रॉम एन एंगल डी थीटा, वो थोड़े एंगल पे रोटेट कराने में जो भी वर्क डन है वो क्या है हमारे पास डी डब्ल्यू। तो टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमेशा रेफर करेगा एक छोटे ऑब्जेक्ट से लेके बड़े ऑब्जेक्ट पे, स्मॉल लेंथ से लेके टोटल लेंथ के ऊपर। टोटल कैलकुलेट करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा टोटल वर्क डन डब्ल्यू, पी कॉन्स्टेंट ई कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन होगा हमारे पास किसका, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा। इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। अगर लिमिट गिवन है तो हम लिमिट का यूज करेंगे, अगर लिमिट गिवन नहीं है तो हम लिमिट का यूज नहीं करेंगे। फिलहाल हम अज्यूम कर रहे हैं कि लिमिट गिवन नहीं है, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस थीटा, ये हमारे पास इक्वल होगा डी ई कोस थीटा माइनस का, ये हमारे पास क्या आ गया नेट वर्क डन। ये क्या आ गया हमारे पास नेट वर्क डन आ गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा, या फिर इसी को बोल देंगे हम माइनस पी डॉट ई, डॉट का मतलब कोस थीटा और डॉट प्रोडक्ट। यहाँ से भी हम देख लेते हैं वर्क डन के एक स्केलर क्वांटिटी ठीक है हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट क्यों मल्टीप्लाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटीज की डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी स्केलर होगी, ये चीज़ इसको वेरीफाई कर रहे हैं। अब बात आती है हम कोस थीटा की वैल्यू अगर लिमिट लेके सोल्व करना चाहिए,
लिमिट हमारे पास कुछ भी हो सकती है, वो गिवन देगा। रिज्यूम कर ले स्टार्टिंग में, इन द स्टार्टिंग द चार्ज पार्टिकल इज प्रेजेंटेड हियर, मतलब थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, जीरो। ये चार्ज पार्टिकल ऐसे था तो वो उठ के ऐसे आ गए, इस लाइन के लोग आ गए, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गए, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू जीरो। इसको रोटेट करा दिया मैंने 180 पे, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। कल वाले लेक्चर में देखा था हमने, पोजीशन होती है किसकी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हमारे पास पोजीशन होती है किसकी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में दाने में कितना वर्क डन कैलकुलेट हुआ वो कैलकुलेट करेंगे, वो किसके इक्वल होगा। इनिशियल कंडीशन थीटा इज इक्वल टू जीरो, फाइनल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 180। तो इधर हम लिमिट पुट करेंगे इसी फॉर्मूले में, डब्ल्यू की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन, और थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री टू 180, 180 को लिख सकते हैं पाई ई साइन थीटा, पी थीटा ये इक्वल होगा हमारे पास माइनस पी ई कोस थीटा जीरो टू पाई, वो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, माइनस मैंने पहले ही बार ले लिया, तो इधर वैल्यू पुट होंगी माइनस पी ई अपर लिमिट कोस पाई माइनस लोअर लिमिट कोस जीरो। कोस पाई की और कोस जीरो की वैल्यू आपको पता है, कोस जीरो की वैल्यू cos 0 इज 1, cos 180 दैट इज माइनस 1, तो हमारे पास क्या होगा, अंदर वाली टर्म को सोल्व करें, cos पाई की जगह माइनस 1 माइनस cos 0 1 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज माइनस 2, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस पी ई, माइनस पी ई मल्टीप्लाई माइनस 2 इक्वल होगा हमारे पास प्लस 2 पी ई। तो ये हमारे पास नेट क्या आ गया, वर्क डन आ गया। इस तरीके से हमें लिमिट गिवन होगी, हम लिमिट्स का यूज़ करेंगे और सोल्व करेंगे। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज सॉरी डाइपोल मोमेंट नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इससे अगला जो भी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं हम बेसिकली देखें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी निकाल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम इन द टर्म ऑफ फोर्स भी निकाल सकते हैं, इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म ऑफ कैपेसिटेंस, हमारे पास बहुत सारे मेथड है किसको कैलकुलेट करने के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के। सबसे पहला जो मेथड है, स्टार्टिंग में हमने इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर हमने फोर्स पढ़ा था, कूलम फोर्स, वो क्या थी हमारे पास K1 K2 डिवाइडेड बाई आर स्केयर। अगर मैं K की वैल्यू पुट करूं तो K इक्वल होगा हमारे पास 1/4 pi epsilon naught K1 K2 बाई आर स्केयर। ये एक्सप्रेशन थी हमारे पास किसकी, फोर्स की। इधर दो चीज नोटिस कर की है हमने, एक तो एप्सिलॉन नॉट फोर्स, एप्सिलॉन नॉट हमने पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट होता है हमारे पास रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, सॉरी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर क्या होता है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर साथ में एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ऑफ एयर और वैक्यूम। एप्सिलॉन एम होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन आर होता है हमारे पास रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब आता है हमारे पास रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होता है, ये बेसिकली डिफाइन करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी को। हम देखिए हमारे पास कोई भी मटेरियल है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ होंगी, ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ होंगी। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस जो किसी भी चार्ज पार्टिकल के आसपास होंगी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस मटेरियल के अंदर से पास करा रहा हूँ, व्हेन दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू दिस मटेरियल, तो होगा क्या, ये मटेरियल कुछ हद तक इस इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपोज करेगा। तो अप टू व्हाट एक्सटेंट इट अलोज, ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इस मटेरियल की, कि इसने किस हद तक अलो किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इसके अंदर से पास होने के लिए। अप टू व्हाट एक्सटेंट इट अलोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट, किस एक्सटेंट तक अलो कर रहे हैं, तो उस चीज को दिखाने के लिए हमारे पास कौन आया, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अगर ये मीडियम, ये जो भी मटेरियल है मीडियम है, एयर है और वैक्यूम है, एयर और वैक्यूम के लिए हम इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, इसके अलावा कोई और मीडियम है तो इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन एम से, एयर के लिए वैक्यूम के लिए इन दोनों के लिए डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसके अलावा कोई मीडियम है तो उसके लिए हम डिनोट करेंगे एप्सिलॉन एम। और जब हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे इन दोनों की, एप्सिलॉन एम विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव सॉरी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर, इन दोनों की जो रेशियो होती है वो होती है हमारे पास रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। इसी का दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ए। हम डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पढ़ रहे हैं, हमने ये नहीं देखा डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, क्या होता है डाइलेक्ट्रिक, पढ़े हमने स्टार्टिंग में इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर एंड व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। कंडक्टर भी होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो कंडक्ट करने के लिए, करंट को पास कराने के लिए, जो करंट पास कराते हीट पास कराते, कंडक्टर जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्ट करने के लिए, कंडक्शन किस चीज़ का हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हीट का कंडक्शन हो सकता है, करंट का कंडक्शन हो सकता है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्ट करने के लिए वो क्या है हमारे पास कंडक्टर, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या है हमारे पास इंसुलेटर। और डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, जो कंडक्ट, जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करेंगे, मतलब करंट का इफेक्ट शो करेंगे लेकिन कंडक्ट नहीं करेंगे, जैसे एयर। कई बार बिजली कड़कती देखी हमने रेनी सीजन में, बादल गरजते हैं, तो गरजने का रीजन एक्चुअल में क्या होता है, एक बादल के ऊपर पॉजिटिव है दूसरे के ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर हाईली पॉजिटिव चार्ज है तो ये डिस्चार्ज होता है, तो इनके बीच में जो भी स्पार्किंग मिलती है वो स्पार्किंग होती है ड्यू टू एयर। एयर वहाँ पे क्या है डाइलेक्ट्रिक, इसने कंडक्शन नहीं किया लेकिन क्या किया इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो किया। वायरिंग अगर लूज है तो हमारे पास वहाँ पे स्पार्किंग होती है, तो स्पार्किंग का रीजन ये है, वायर आपस में टच नहीं है, दे आर नॉट फिजिकली टच्ड, उनके बीच में कोई मीडियम है एयर, उसकी वजह से उधर क्या बन रही है हमारे पास स्पार्किंग। तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हर मटेरियल का अपना अलग अलग होगा, वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अलग है, एयर के लिए अलग है, वैक्यूम के लिए अलग है, इसके अलावा डायमंड है डायमंड का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अलग है, केरोसिन ऑयल है उसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अलग है, बेंजीन है उसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अलग है। हमारे पास जितने भी तरह के लिक्विड है अर्थ तरह के लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है हमारे पास डिफरेंट है। तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को हम क्या बोलते हैं, यही इक्वल होता है हमारे पास रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी रेशियो होती है एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन एम क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये प्रॉपर्टी उस मटेरियल की, उस मीडियम की, कि उसने किस हद तक अलो कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास होने के लिए। अप टू व्हाट एक्सटेंट द मटेरियल अलोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट, किस हद तक अलो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से पास होने के लिए। बेसिक डेफिनेशन है जो मोस्टली हम याद नहीं रखते, भूल जाते हैं। मटेरियल की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, जैसे हम बात करें आयरन की या फिर स्टील की, स्टील से हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी तो वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होगी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी। स्टील के परमानेंट मैग्नेट बनते हैं क्यों, क्योंकि वो अलो करता है ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। सिमिलरली जो मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अलो करेंगे उनकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज़्यादा होगी, जो कम अलो करेंगे उनकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कम होगी। जब हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को कंपेयर करते हैं किसी दूसरे मटेरियल से, जैसे यहाँ पे हमने मटेरियल एम लिया है, कोई भी मीडियम एम, मीडियम एम हमारे पास कुछ भी हो सकता है, प्लास्टिक, वुड, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, कोई भी मटेरियल, एल्युमिनियम, इन सब का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन एम, जब इसको कंपेयर किया जाता है विद एयर, एयर हमारे पास एक स्टैंडर्ड मीन है, मोड मीडियम है, मीडियम है एक जो बेसिक मीडियम है जो हर कहीं हर जगह पे प्रेजेंट होगा, वो क्या लिया हमने एयर।
एयर के रिस्पेक्ट में किसी भी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को कंपेयर करना, ओके हमारे पास एप्सिलॉन आर इसी को बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। सिमिलरली इन द टर्म ऑफ फोर्स, मैंने बोला था कि इसको फोर्स की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। अगर फोर्स की टर्म में डिफाइन करेंगे तो ये इक्वल होगा हमारे पास एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम, फोर्स फोर्स क्या थी हमारे पास कूलम्ब का, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अब दो चार्ज पार्टिकल के बीच, ये दो चार्ज पार्टिकल है, एक के ऊपर चार्ज के वन दूसरे के ऊपर के टू, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, इनके बीच में मीडियम कैसा है हमारे पास, एयर है, वैक्यूम है। अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं, इनके बीच का मीडियम पहले क्या है, एयर, अब मैंने इनके बीच का मीडियम चेंज कर दिया, ये क्यू वन ये क्यू टू, इनके बीच का मीडियम चेंज कर दिया, इनके बीच में मैंने कोई वाटर वाटर डाल दिया, दो चार्ज पार्टिकल ये दोनों कप है पानी में, या फिर कोई और मटेरियल ले लिया, ये दोनों चार्ज पार्टिकल केरोसिन ऑयल में डाल दिए या फिर बेंजीन में डाल दिए, पेट्रोल में डाल दिए, तो इस टाइप के लिक्विड है उनमें हमने डाल दिए। उसके बाद इनके बीच का डिस्टेंस नोट किए, फोर्स कैलकुलेट की, एक तो फोर्स थी जब ये इन दोनों के बीच का मीडियम क्या था हमारे पास, एयर था, एक फोर्स जब लग रही है जब इनके बीच का मीडियम क्या है, एम है, एम इज द मीडियम, मीडियम हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास दो अलग अलग फोर्स आएंगे, एक तो फोर्स एयर में, दूसरा फोर्स इन द मीडियम। इन दोनों फोर्सेस की रेशियो भी हमारे पास किसके इक्वल होगी, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होगी। अगर मैं वैल्यू पुट करके देखूं एफ नॉट बाई एफ एम की, एफ नॉट इक्वल है हमारे पास वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एफ एम की बात करूं तो एफ एम इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन एम क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दिया, फोर पाई से फोर पाई, क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर से क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, सबको सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वल आ गया एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट डिनोट कर रहे हैं एप्सिलॉन आर को या फिर के को, ये चीज़ किसके इक्वल है हमारे पास, एप्सिलॉन आर या फिर के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो के है वो हमारे पास एप्सिलॉन आर के इक्वल है, ये इक्वल है एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वल है हमारे पास एफ नॉट बाई एफ एम। सिमिलरली इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये इक्वल होगा ई नॉट बाई ई एम, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी हमारे पास इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ई एम की बात करूंगा तो वो इक्वल होगी हमारे पास वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन एम क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दोनों को डिवाइड किया फोर पाई क्यू बाई आर स्क्वायर क्यू बाई आर स्क्वायर, रिजल्ट बच गया हमारे पास एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, रिजल्ट सेम है हमारे पास। तो यहाँ से हमने ये लिख दिया, तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमारे पास इतने सारे फार्मूले हैं। अब बात आती है हमारे पास एयर दे दी, एयर के अंदर फोर्स दे दी, फोर्स इन एयर मतलब एफ नॉट की वैल्यू गिवन है, हमको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया के, फोर्स की वैल्यू निकालनी है मीडियम में, कोई भी मीडियम है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, तो एफ एम की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम यहाँ से डायरेक्ट यूज करेंगे के इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ एम, ये हमारे पास इक्वल होगा एफ नॉट बाई एफ एम के। एफ एम की वैल्यू निकालनी है, एफ एम क्या होगा हमारे पास एफ नॉट डिवाइडेड बाई के, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, मीडियम चेंज करता है और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो हमेशा देगा आपको, अगर नहीं देगा तो कोई ना कोई मेथड देगा कैलकुलेट करने का। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हेल्प से हमें फोर्स एयर में पता है, हम वैक्यूम में इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। एयर के लिए रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट होती है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम इसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस 12 इसकी यूनिट होंगी हमारे पास कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इक्वल होती है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट के। तो आज हमने दो टॉपिक किए हैं, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की, वो होती है हमारे पास माइनस पी ई कॉस थीटा
थीटा की लिमिट हमारे पास कुछ भी हो सकती है, थीटा वन थीटा टू, वो जो भी लिमिट गिवन होगी हम करेंगे कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा हमने अगला टॉपिक किया डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इसको डिफाइन किया है, इसे जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आज का लेक्चर हो गया, आज के लेक्चर के हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली में दोनों टॉपिक थे, जो पोटेंशियल एनर्जी था वो तो आज ही होना था, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमने फोर्स करी उस टाइम पे छोड़ दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड हुई उस टाइम पे भी छोड़ दिया था, फोर्स के टाइम पे छोड़ी इसीलिए दिया था कि हमें इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की डेफिनेशन उस टाइम पे समझ में नहीं आती, उस टाइम पे हमें सिर्फ फोर्स गिवन थी, अकेले फोर्स के बेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन बताता तो नहीं हो पाती हमारे पास। अब हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी हमें पता है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होगी, तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो किस एक्सटेंट तक अलो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को उसके अंदर से पास होने में। तो आज के टॉपिक में हमारे पास ये मेन टॉपिक दो थे, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, ईजी है, पोटेंशियल एनर्जी और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम मूव करेंगे गोजला की तरफ। गोजला से पहले दो टॉपिक रहते हैं हमारे पास, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इन दोनों टॉपिक के बाद हम गोजला को स्टार्ट करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे इसके बहुत सारे। थैंक यू।